आम आदमी पार्टी बीजेपी दफ्तर का आज घेराव कर रही है। दरअसल मामला एमसीडी चुनाव से जुड़ा हुआ है, जहां पर मेयर का चुनाव था गुरुवार शुक्रवार को, और उसके बाद मेयर के चुनाव में हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने संविधान को ताक पर रखकर मेयर का चुनाव कराया, और उसके बाद एल्डरमैन को जिस तरह से शपथ दिलाया जा रहा था सदन के अंदर, वो नियमों के खिलाफ था, जो संविधान है उसके खिलाफ था। यही वजह है कि अब आज आम आदमी पार्टी बीजेपी दफ्तर का घेराव कर रही है। और आप तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए निकले, और यहाँ पर बीच रास्ते में बैरिकेडिंग की हुई है, और लगातार यहाँ पर पुलिस द्वारा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका हुआ है। भारी सुरक्षा बल की जो है तैनाती की हुई है। हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के बीजेपी मुख्यालय का आप यहाँ पर क्या बीजेपी मुख्यालय का हम घेराव इसलिए कर रहे हैं कि उस दिन बीजेपी ने 6 तारीख को जब सदन में मेयर का चुनाव हुआ था, तो उन्होंने चुनाव में व्यवधान डाला और 10 एल्डरमैन को अनैतिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने बनाया, और उन्हें अलग अलग, इतना ही नहीं, 2 बार नोटिफिकेशन चेंज करके और उसको अलग अलग स्टैंडिंग कमेटी में डाल के स्टैंडिंग कमेटी मेंबर बनाने की कोशिश की। बीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही है और ये कह रही है कि आप लोगों ने जो अभी नियुक्ति हो रही है या एल्डरमैन का जो शपथ दिलाया जा रहा था, वो नियमों के तहत ही हो रहा था, आप लोगों ने सदन को नहीं चलने दिया, मेयर का चुनाव नहीं होने दिया। कहाँ नियम है कि एल्डरमैन को पहले शपथ दिलाई जाएगी? ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है, और ये सब चाल थी कि एल्डरमैन से वोटिंग करा लेते ये पहले, और बात ये नहीं है कि एल्डरमैन से वोटिंग करा लेते, हम तब भी मेयर अपना बना लेते, लेकिन हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिसमें अलोकतांत्रिक और मतलब बेईमानियां और बल प्रयोग किया जाए। पॉलिटिक्स का मतलब है स्ट्रगल फॉर पावर, ये हम पढ़ते आए हैं, लेकिन हमारी पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है, हम पावर के लिए नहीं, सिद्धांतों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये राजकुमार आनंद है जो दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से उस दिन सदन की कार्रवाई हो रही थी, जिस तरह से पीठासीन अधिकारी जो हैं पहले एल्डरमैन को शपथ दिला रहे थे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध किया, और उसके बाद विवाद शुरू हुआ और सदन की जो कार्रवाई है वो उस दिन के लिए वो स्थगित कर दी गई, और अभी तक दिल्ली के लोगों को अपना बियर नहीं मिला। लेकिन आम आदमी पार्टी ये बार बार कह रही है कि जिस तरह से बीजेपी जो है संविधान की हत्या कर रही है, जो नियम कानून है, जो डीएमसी एक्ट है, म्युनिसिपल एक्ट है, उसमें कहीं भी इस बात का प्रावधान नहीं है कि जो एल्डरमैन है वो सदन के अंदर सबसे पहले शपथ ले, और उसके बाद ये भी आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं उन एल्डरमैन को वोटिंग राइट दिलाना चाहती, ताकि मेयर के चुनाव में और उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है उसमें वो लोग हिस्सा ले सके, वोट दे सके। और साफ तौर पर इस सारा मामला जो है स्टैंडिंग कमेटी का है, क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, क्योंकि एक सीटों पर सारा मामला फंस रहा था। और यही बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहती है कि सदन के अंदर से जो 6 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य आए वो 3-3 की बराबरी हो, ताकि जब जोन में चुनाव हो तो इसका फायदा उसे मिल सके। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है साफ तौर पर इस बात का विरोध कर रही है कि एल्डरमैन को किसी भी तरह से पहले शपथ नहीं लेने दिया जाएगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि एलजी की तरफ से एक लाइन का स्टेटमेंट साफ तौर पर आया कि जो एल्डरमैन है उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होगी, और जैसे ही इस तरह का स्टेटमेंट आएगा तो उसी के बाद आम आदमी पार्टी जो सदन में मेयर का चुनाव है उसके लिए तैयार है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुनील के साथ अमित पांडे, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।